अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब ठीक होगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और इसे देखो आप, इसे देखो आप किस तरह से नीचे झुकी हुई है। दिखा एक बार, तू दिखा तो सही। सर पे दुपट्टा नहीं है। मैं जा रहा हूँ अभी नमाज पढ़ने, और अम्मी ने 2 दिन से कपड़े चेंज नहीं किए। लोग देख लेना किसी पर भी। नहीं नहीं, कल आके वापस पुराने कपड़े पहन लिए। क्योंकि मुझे सर्दी है तो बार बार थोड़ी मैं कपड़े धोती रहूंगी। तो कपड़े से क्या है एलर्जी? कपड़े तू चेंज करेगी वो हम और सोफी थोड़ी पहनेंगे। तू थोड़ा धोता है, मैं धोती हूँ। दो डालना। और अम्मी ने मेरे को कल बोला था कि तू गोबरा है तो मेरे से ज्यादा वो है। अरे जा जा झूठा। आरी बोल सो ना, तू धोती ना थी। ये जो ना दिख रहा सूखी है छे, मेरे से भी ज्यादा बहुत बड़ी गोबड़ी है। आरी बोबड़ा वही है। कौन है? पुराने कपड़े पहन लेती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मजाक जरा जुम्मा है ना, जुम्मा। और अभी नमाज पढ़ने जाएगी तो आप देख लेना। जाएगी नहीं, हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मैं कहाँ पे जाऊँ? मतलब कभी कभी ऊपर। हाँ हाँ ऊपर, कभी कभी ऊपर पढ़ती हूँ कभी कभी। तो चलो याद रखना दुआ में। हाँ तो चलो अल्लाह दुआ में याद रखना मेरा बेटा। नहीं गोबरा में तो मजाक कर रही हूँ, मुझे मालूम है तू गोबरा नहीं है। मैं भी मजाक कर रहा हूँ। मैं तो इसलिए मैंने 2 दिन से कपड़े नहीं बदले कि तू मुझे सर्दी है ना तो बार बार यही ड्रेस पहनती हूँ। तो बस इसीलिए बाहर जाती हूँ, तो वरना ना ना मैंने चिराग कर रही हूँ, अगरबत्ती कर रही हूँ, कर रही हूँ। कई मजाक होता है क्या? चलो मैं जा रहा हूँ। आज मैं सर धोऊंगी क्योंकि आज जुम्मा है। मैंने गर्म पानी तो हमारे आता है सोलर है उसमें, लेकिन फिर भी वो अजवाइन होती है ना उसमें मैंने गर्म पानी थोड़ा किया उसमें डालूंगी। आवाज भी बेच। हाँ तो मैं नहाऊंगी। तो थोड़ी बहुत मस्ती हम कर रहे हैं कि मजा है सबको, ऐसा मैं भी थोड़ी होता है। कोई कोई मान ले कि ये नाता धोता घर में किया नहीं होगा, ऐसा कोई ना माने। मम्मा क्या तू भी नहीं ना तो रहे, हम सब ना रहे गर्म पानी कोई मत लेना आप सब दिमाग में। हम थोड़ी बहुत मस्ती करें, मेरी मम्मी की और कयूम की तो मस्ती बहुत ज्यादा होती है, तो इस तरह से। तो मम्मी बोल रही है कि कोई दिमाग में ले ले कि हाँ रियल है, नहीं ऐसी बात रियल नहीं, मजाक करे। वरना मम्मी कल भी ना धो के फ्रेश होके गए थे, बाहर गए थे मेरी दीदी के घर पे जी। पापा भी जा रहे हैं, देखो ऊपर से कयूम ने बंद कर दिया है। तो जानते हैं नमाज पढ़ने। हाँ तो चलो पापा भी गए नमाज पढ़ने, कयूम भी गया, और अभी थोड़ी देर बाद में भी अजान हुई है। तो लेडीज़ तो थोड़े टाइम बाद पढ़ती है ना मम्मा, इस तरह से होता है ना कि जेंट्स के बोलते ना बराबर नहीं पढ़ते, ऐसा कुछ होता है मम्मा। थोड़ी देर बाद रुक के पढ़ना चाहिए, तो इसकी वजह से। और मम्मी कर रही नाश्ता, तो हम बाद में नमाज पढ़ेंगे। मेरी मम्मी का नाश्ता हो रहा है, नाश्ता अभी कर रही है, सुबह नहीं करती है। आप देख सकते हो हमारी प्यारी सी गुड़िया आई है। हाँ। हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर है ना, इंस्टाग्राम में फॉलो करती है, और जोया, हाँ, जोया नाम है उसका। आइए सबके साथ फोटो खिंचवाया, इसकी मम्मी के साथ में आई है। हाँ। हाँ, और शादी में भी आएगी, आएगी ना मेरी शादी। हाँ, में आएगी, आएगी सब आएंगे, सब सब्सक्राइबर तू भी आना। और देखो मेरी मम्मी और कयूम जा रहे, आज दरगाह पे जा रहे, कल तो लेट हो गया था तो उसके हिसाब से नहीं गए। तो चलो अल्लाह हाफिज मम्मा, दुआ में याद रखना। ये इसका ध्यान रख रही थी और मेरे पैर में आ जाता है बकरों का सारा। अल्लाह हाफिज, जाओ। तो चलो जा रहे, और इनविटेशन कार्ड भी रखने, एक हमारे दरगाह रह गई थी जहाँ पे दरगाह में काम भी करवाया है वहाँ पे मम्मी ने, तो वहाँ पे देखो हम आ चुके हैं। ये दरगाह है डाडा जलाली की, और अंदर जाके मैं भी आपको दिखाता हूँ। अभी अम्मी तो उतर भी चुकी है और कार्ड ले रही है अभी, तो अंदर जाके आपको दिखाता हूँ मैं। चलो देखो अम्मी भी जा रही है अभी अंदर दरगाह पे, और मैंने भी फूल ले लिया है, और मैंने गाड़ी की लाइटें चालू रखी है क्योंकि लाइट है नहीं। देखो ये दरगाह है, ¿Qué te
देखो ये है पूरा दरगाह और पीछे भी है ये सब पूरी बाउंड्री यहाँ तक की। देखो पीछे पूरी वाड़ी है, फार्मी है पूरा। देखो मम्मी भी है यहाँ पे और हमने सलाम पढ़ चुकी है जी। अभी हम जा रहे हैं वापस घर पे। सही है, हमने दुआ करने आए थे। हाँ दुआ करने आए थे और ये सब पहले तो बनवाया नहीं था, पहले तो ये तुर्बत ही बनवाई थी। फिर इंशाल्लाह धीरे धीरे पूरा काम हो चुका है अभी तो माशाल्लाह। अभी यहाँ पे रूम में वो बंद है। हाँ वो अभी बंद है यहाँ पे जो रूम है, फिर ये वजू करने का है वो सब अम्मी की मेहरबानी से। और नहीं तो मतलब नहीं, जो दादा जलाली हाँ नहीं उसके कर्म से तुझे तौफीक अता फरमाई और तूने ये सब करवाया ना, बरकत दे और जा मुझे हुक्म ऐसे करते रहे और मुझे ये अच्छे काम करवाते रहे। बस मेरी तमन्ना यही है अभी इससे मैं ज्यादा करूँ। और बस एक ही गम है कि यहाँ पे जिससे जिसके साथ में मैंने ये काम शुरू यहाँ पे करवा था ना, वो अब नहीं रहे, उसका अल्लाह जन्नत नसीब करे। मैंने यही दुआ की और बस मेरी बेटी के लिए मैं दुआ करने आई हूँ। बस दादा जलाली सुने मेरी बात और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी की निकाह हो जाए। बस इस तरह से बापू करम कर फरमाते रहे और हम इंशाल्लाह इस तरह से कामयाब होते रहे जी। और हिंदुस्तान में बहुत सारे वली है जो उसकी करामत करके सो रहे हैं, तो बस ऐसे ही मुझे यहाँ पे जिस तरह से मुझे जरिया बनाया वो बहुत सारी जगह पे मुझे जैसे तेरे को जरिया बनाया ऐसे इस तरह से हर एक को मौका मिले और हमको भी मिले। और इंशाल्लाह सभी को जो जितने सब्सक्राइबर है उसको ये बापू दुआ करता हूँ मैं। ये अभी सब बनवाया वरना सिर्फ यही बनवाया था जी। हाँ ये सब अभी बनवाया है, बाद में करवाया सब जी। और ऐसा नहीं है कि मैं अकेली इसमें हूँ, नहीं ऐसा नहीं, ये बाद में सब आहिस्ता आहिस्ता जिसको हाँ ऐसा नहीं है कि जैसे अम्मी ने पूरा करवाया जिसने सभी ने मदद तो सभी ने की, पर काम पहले शुरुआत हमारे से हुई। जितना सुखर करूं उतना कम में कि हमारे शुरुआत हमारे से हुई। और इंशाल्लाह धीरे धीरे जिसको भी पता चला कि यहाँ पे दरगाह निकली है, उसने फिर बरकत से जितना उसकी हैसियत होती है उस तरह से दिया हुआ है जी। बंधु आई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ से यहाँ से वो रूम क्यों करवाया। हाँ और रूम में किस तरह से रूम का वजू खाना और अंदर की जो तुर्बत है ना वो जी। और ये तो सब आहिस्ता ये सब हाँ किसी ने दिया, किसी ने सीमेंट दी, किसी ने ईट दी, इस तरह से हुआ है। अल्लाह पाक जिसने तो बस वो बोलते हैं ना एक ईट भी डालते हो ना तो उसका जरिया अल्लाह अल्लाह के रसूल देते हैं। तो बस जिसने यहाँ पे काम करवाया और दादा जलाली ने हुक्म किया, अल्लाह पाक सबकी जाहिर तमन्ना पूरी करे, उसकी खैर में हमारी जाहिर तमन्ना पूरी करे। यहाँ पे सुन रहे हमारे वली दादा जलाली, बस उसका कर्म ऐसे ही रही हमारे पर। सही जी, बेशक जी। चलो तो अभी हम निकलते हैं। क्यों मैं देखो हमारे कयूम भाई ने नाश्ता कर लिया है सुबह सुबह और कयूम भाई को हो चुकी है फुल सर्दी, दोनों फुल हो चुके हैं, शरीर भी पूरा टूट रहा है। हाँ खराब हो गई तो अब सुबह तक है ना, फजर में सो जाए 5:30 बजे सोया ये लड़का। हाँ वापस जल्दी उठ गया, माँ बेटे दोनों जग रहे थे और जल्दी उठा उसके मतलब के लिए क्योंकि वो राजकोट जाएगा, राजकोट से उसके कपड़े जल्दी उठता हूँ। अब दवाई लेने पहले जाएगा कयूम, दवाई लेने पहले जाएगा है ना, और तेरी भी ले लेगा मम्मा। काम इतना करना है तो दवाई तो लेनी चाहिए, मैं भी दवा 2 दिन से पी रही हूँ, 2-3 दिन से। यहाँ पे अभी तक भी कार्ड्स पड़े हुए, अब ये मम्मी सब करेंगी है ना मम्मा, इसलिए बैठी है देखो चश्मे वश्मे लेके तो मेरी मम्मा। तो चलो आज का व्लॉग हम यही तक रखते है ना मम्मा। मैं लिख रही हूँ, मैं और सोफी इसके पापा सब जगह पे जा रहे, मैंने इतना नहीं किया 4-5 बुला के सबको परेशान करके वहाँ पे जाओ तैयार ब्यार हो के, ये कुछ नहीं करना, जो नबी की सुनत है ना उस पर ही मुझे जाना है ज्यादातर। एंगेजमेंट में सब कुछ माशाल्लाह कर लिया था, अभी नहीं तो इस तरह से। तो बस कयूम जाएगा उसके फ्रेंड सर्कलों में,
हाँ राजकोट जा रहा है वो भी उसके सारे फ्रेंड्स को देने, तो अभी तो इसकी वजह से हमारे व्लॉग इस तरह आ रहे हैं। हम फ्री नहीं, हम बस ये सब करने में ही है, तो उसके हिसाब से अभी भी हम आ रहे हैं, तो हम अपने लिए भी आ रही है व्लॉग में, क्योंकि हाँ। हमारा भी काम हो रहा है और माशाल्लाह देखने में माशाल्लाह मजा आ रही है। सब कमेंट करते कि 10 मिनट का हो तो भी डाल दो, तो हमें देखने को मिल जाए। तो हम आपके सबके लिए, आपके सबके मैसेज है, तो आप क्यों नहीं आते, क्यों नहीं आते, तो आप सबके लिए, क्योंकि आप हमारे लिए आ रहे हो ना व्लॉग में, आप हमारे वेट कर रहे हो, तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम आप सबको पसंद आ रहे हैं। तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करो उतना कम है, तो ऐसे हमें देखते रहो, हमारे लिए हमें आगे बढ़ाते रहो, सही है, और हमारे साथ आप रहो। हाँ तो मैं ये देखो काम कर रही हूँ, पहले कयूम को दवा लेने भेज रही हूँ, बाद में कयूम को, कयूम का लिस्ट मैं उतारूंगी। मम्मी को भी फुल सर्दी हो चुकी है, हाँ लेकिन मुझे फर्क है, पहले से आप मेरे देखते हो गए मेरा आवाज से, मुझे कली हुई है। बाजू में गोदी में सोता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, यहाँ पे किसे करता है, यहाँ पे किसे करता है, तो बाद में तो हो जाएगी ना। और सोफी इतना कम करती है, सोफी सोफी को बोल लेता हूँ, ये मुझे अभी हक करेगा, मम्मा मुझे भी देगा, देख इसकी बातें। सोफी है ना, कयूम है ना, ज्यादा मुझे ऐसे हक करता है, ये कयूम है, सोफी इतना नहीं करती, बाद में सोफी क्या बोलती है, तो कयूम को ज्यादा प्यार करती है। अरे बेटा वो मुझे प्यार करता है आके, नहीं मुझे तू देना तो अच्छा लगे, मैं नहीं चाहूँ सामने से, और तू बोलती है ना मैं भी एटीट्यूड वाली, मैं भी तेरे जैसी हुई हूँ। तो मैं तो उसको प्यार करती हूँ, लेकिन अभी मैंने उसको मैंने बोला भाई तू दूर ही रे, क्योंकि मेन दुल्हन तो तू ही है, एंड तक मैं तू बीमार पड़ जाएगी तो क्या करेंगे। हाँ तो मैं खड़ी हो गई, मेरे बेटे को भी मैं खड़ा कर दूंगी इंशाल्लाह, हो जाएगा, वो तो थोड़ी ठंडी है ना, तो देखो इसने बोला है मम्मी अभी दो तीन दिन में हो जाएगा, सर्दी में ज्यादा दिन नहीं लगता। हाँ जैसे इंदे बाबा के खिलाने बोल कर पी भी जाता हूँ। हाँ ये भी माँ बेटे की ऐसी कोई लप नहीं, ये पीछे जो मोबाइल के पीछे जो है ना वो खोच रही थी, मैं पी भी जाता हूँ। सही है, हाँ सही है। तो चलो मम्मी, किसी ने कमेंट किया था, वो तू बोल रही थी ना, गीत गा रही थी ना, तो इसमें लिखा है जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। तो फिर उसमें एक और भी कमेंट है, आंटी बाल पीछे पड़ गए हैं, आंटी हाँ कयूम भाई के बाल के पीछे पड़ गए, तो सही है कयूम जी? हाँ देखो हाँ मोगली जैसे बाल लग रहे हैं कयूम भाई के। अभी मैंने सेटिंग नहीं करवाया, कुछ करवाया नहीं, कटिंग नहीं करवाया, कलर भी नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया, अभी सब होगा, जो होगा अभी होगा। हाँ। जी हाँ हम आएंगे ऐसे, और नहीं हो जस्ट यहाँ पे जैसे जस्ट चोट लगता है और बारे से खड़े हो जाते हैं, तो हम बेटे इस तरह से तो चोली पहना होगा, साड़ी पहनी होगी, बार हमारे ऐसे ऊंचे होंगे और हम ऐसे आएंगे, सही है ना कयूम? नहीं फिर इसमें देखो लिखा हुआ है, देख लेना मसाला लुक होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरी मोटी का क्या होगा, पे मेरी बहन की शादी है इसलिए तुम दाम से कर लेना इंशाल्लाह। तमन्ना तो वही है, लेकिन बस हम गरीब नवाज उसमें बरकत दे, क्योंकि हर एक माँ की, हर एक भाई की, सबके सपने होते की तमन्ना होती, और हर एक के सपने गरीब नवाज जायज तमन्ना पूरी करे। बस मैं वही बोलना चाहती हूँ की तेरे करे, तेरे खैर में सबके गरीब नवाज सबकी जाए, जो जो भी अभी घर पे बेटी आए ना उसकी शादी राजकोट से बन चुका है शादी का। हाँ। सोफी की टाइम पे देखना, दिखाऊंगा किस तरह से मैंने बनवाया। जी हाँ इंशाल्लाह सब लुक देंगे, हमने आपको कपड़े नहीं दिखाए, तो आपको अभी दिखा देते तो आपको मजा नहीं आता, तो टाइम पे पता चल जाता कि टाइम पे पहनने का, एक एक लुक में आपको पता चलेगा कि ये दिन में ये पहना है। हाँ ये दिन में ये, और दो तीन दिन ही बस इस तरह से व्लॉग ले लो, फिर शादी के व्लॉग बहुत अच्छे आने वाले हैं, तो जरूर सब देखना है ना मम्मा, तो मजा भी आएगी। ज्यादातर हम दोनों का कम होगा और सोफी का ज्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सबका सही है, एक जैसा ही है। मैं सबसे कम हुआ, लेकिन मेरा आया भी नहीं अभी तक, जो आने वाले है ना बॉम्बे से वो शादी से एक दिन पहले आएंगे और मेरे लिए लेके आएंगे, क्योंकि पार्सल उसके घर पे पड़ा हुआ है। सही बात, मेरी अभी कुछ भी तैयारी नहीं है, कुछ भी बोलो तो कुछ भी तैयारी नहीं है, सही है ना सोफी जी? सही है, सही बात बोल रही है। मैंने खरीदी कर ली सूरत से, राजकोट से, सोफी ने कर ली बॉम्बे से, उसका मैंने जल्दी मंगवा लिया, क्योंकि दुल्हन वही बनने वाली है माशाल्लाह। आपके अंकल ने सब ने करवा ली, बस मैं बाकी हूँ, इंशाल्लाह मैं भी कर लूंगी। अब कैसी लग रही हूँ तो अल्लाह को मालूम नहीं, सब अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। सबसे ज्यादा वो मसाला लगेगी वो ऐसे लास्ट में अच्छी आप बोलोगे भी
कि रेनु मासी अच्छी लगती है। अल्लाह ये करीब नवाज, लेकिन नहीं मेरे बच्चे मासा लगते हैं। मेरे को पता है हम एंगेजमेंट में सोफी के हम सब तैयार हुए थे, पर हमारे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है ना टाइम पे अच्छी तैयार हो जाती है इस तरह। हाँ देखो तो सोफिया जी व्लॉग रेगुलर करो, अच्छा नहीं लगता इंतजार करना है ना, तो ऐसे सब कमेंट्स आते हैं। इंशाल्लाह अभी जल्द से जल्द व्लॉग आएंगे जी इंशाल्लाह। फिर एक ने लिखा हुआ है कि पर नाम नहीं लिखा तो कैसे मैं बोलूं, सोफी दी मुझे भी रोटी के लिए आलस आती है, मम्मी ने बोला था ना, बट मैं लकी हूँ क्योंकि मेरे ससुराल में कोई रोटी नहीं खाता। रोटी नहीं खाता, रोटी तो चाहिए। और मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, जैसे आंटी बोलते हैं ना सेम उसी तरह मेरे भी मम्मी बोलते थे। और नेक्स्ट व्लॉग जल्दी डालना और मेरे कॉमेंट में नाम लेना, बट इसमें नाम यूजर लिखा हुआ है ZV4PG5I8Z, तो नाम क्या है रियल? आपका नाम लिख दो मैसेज में, इंशाल्लाह आपका नाम नेक्स्ट बार लेंगे। हाँ जी हाँ, तो ऐसा लिखा है तो सही बात है, ऐसे मम्मियाँ तो बोलती रहती है, फिर टाइम हाँ, पे तो सब आ जाता है ना मम्मा। करना चाहिए मम्मी, नहीं नहीं ऐसे नहीं, सुनो इस कान से निकालो ऐसा कुछ। बाकी इंस्टा में जो भी आता है वो बताते रहो, इसको देख दो इसको देख दो। चलो 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 अब आज का व्लॉग यही तक रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ दवाई ले, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, दुआ में खास करके याद रखना। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।